स्वागत है आपका जनता दरबार न्यूज में और आप देख रहे हैं खबरें एक झलक में। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ग्राम पंचायत खेडली के ग्राम कोठड़ी जाते समय क्षतिग्रस्त सड़क को देखकर नाराज हो गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण करने वाली कंपनी के ठेकेदार से सड़क की लागत वसूल की जाए या फिर नए सिरे से सड़क का निर्माण करवाया जाए। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों राहुल गांधी को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता और पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी खालिस्तान समर्थक एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं और देश विरोधी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री और विधायक जितेंद्र गोठवाल ने भी सीपी जोशी के बयान का समर्थन किया। राहुल गांधी के सदैव स्वभाव में रहा है, इनके परिवार ने इतना लंबा सत्ता का सुख भोगा, उसके बाद भी देश के बारे में इस तरह से बोलने में इन्हें संकोच नहीं होता। मैं सरकार से मांग करता हूं, इनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए राहुल गांधी की, और इनका पासपोर्ट भी कैंसिल करना चाहिए। जोधपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हिस्सा लिया और जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव पर बयान दिया। शेखावत ने कहा कि पहले चरण में 61% मतदान और दूसरे चरण में भी लोगों की लंबी लंबी कतारें दिखाती है कि धारा 370 की समाप्ति के बाद से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर से मजबूत हुई है। कश्मीर में मतदान को लेकर के देखा है, पहले चरण में 61% मतदान और दूसरे चरण में भी जिस तरह से लंबी लाइनों का दौर सुबह से दिख रहा है, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि एक ऐसा प्रदेश जिसमें मतदान आतंकवादियों की धमकियों के चलते हुए सिंगल डिजिट में हुआ करता था, उस प्रदेश में इस तरह से मतदान होना इस बात का परिचय है कि आतंकवाद का दौर समाप्त हुआ है और आतंकवाद के दौर की जननी धारा 370 की समाप्ति के चलते हुए जम्मू कश्मीर में शांति से एक बार फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था का दौर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सूर्यकांत व्यास के लंबे समय बीमार रहने के बाद आज निधन हो गया है। व्यास के निधन के बाद से सूर्य नगरी जोधपुर में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सूर्यकांत व्यास के पुत्र शिव कुमार व्यास को फोन पर संवेदना जताई है। साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व विधायक सूर्यकांत व्यास के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। आदरणीय सूर्यकांत जी, जिन्होंने लगभग पिछले 50 वर्ष तक जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक की राजनीति के सफर में भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को बुलंद किया, भारतीय जनता पार्टी के विचार को नीचे प्रतिपादित किया और ताउम्र भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता के नाते काम किया। उम्र के इस पड़ाव में भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रहकर कार्यकर्ताओं के साथ अपने पारिवारिक संबंध बनाए करके रखते हुए उन्होंने 6 बार राजस्थान की विधानसभा में जोधपुर और बाद में 2 बार 4 बार जोधपुर और 2 बार सुरसागर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। सूर्यकांत जी का जाना, जो कि जीजी के नाम से प्रसिद्ध थी, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए अपूर्णीय क्षति है और मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी उनका निधन अत्यंत दुखद है, क्योंकि हमेशा ही उनका मातृवत स्नेह जो है वो मुझे मिला। मेरे पिछले प्रवास पर करीब 2 सप्ताह पहले भी जब उनको डायलिसिस के चलते हुए कुछ कमजोरी शरीर में ऐसा अनुभव हो रही थी, वो अस्पताल में थी, तो देर रात में मैं अस्पताल गया था, तब भी 1.5 घंटे तक उन्होंने अस्पताल में मुझे सारे विषयों के बारे में बातचीत करते हुए, चर्चा करते हुए, आगे किस तरह से पार्टी के विचार और काम को ले जाना है, किन विषयों पे और अधिक हमको काम करने की आवश्यकता है, कहाँ न्यूनताएं हैं, इन सब विषय में उन्होंने मातृवत शिक्षा वहाँ बिठा करके दी थी। मैं ये मानता हूँ कि सूर्यकांता जी का जाना दुखद भी है और अपूर्ण क्षति भी। राजस्थान में 2024 में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन विभाग सक्रिय हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को उपचुनाव वाले 7 जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के साथ तैयारियों की गहन समीक्षा की। इस बैठक में रजिस्ट्रीकरण और सहायक निर्वाचन अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी 23 नवम्बर तक टोबेको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का संचालन किया जा रहा है।
अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक आयोजन जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर महोदय ने तंबाकू दुष्प्रभाव के प्रति आमजन में जागरूकता के लिए सामूहिक प्रयासों के लिए विभागीय अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में कार्यवाहक महापौर के रूप में कुसुम यादव ने कार्यभार ग्रहण किया। वार्ड 74 से पार्षद कुसुम यादव को हेरिटेज नगर निगम का कार्यवाहक महापौर नियुक्त किया गया है। मुनीश गुजर के निलंबन के बाद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित इस पद पर कुसुम यादव 60 दिनों के लिए कार्य करेगी। इससे पहले वे बीजेपी की ओर से महापौर पद की प्रत्याशी थी, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत भी हासिल की थी। अलवर फार्मेसी कॉलेज की ओर से वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को प्रिंसिपल जेजी बाला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली जिला अस्पताल से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः जिला अस्पताल में आकर संपन्न हुई। अलवर फार्मेसी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जेजी बाला ने बताया कि रैली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान और पर्यावरण का संदेश देकर लोगों को जागरूक किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी जयपुर के सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का सदस्यता महाअभियान चल रहा है। विधायक गोपाल शर्मा के नेतृत्व में विभिन्न मंडलों में भाजपा सदस्यता अभियान संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं। विधायक शर्मा ने सोडाला चौराहे पर भाजपा नेता मनोज खांडल और पार्षद प्रत्याशी अनिल बागड़ा की मौजूदगी में फूलमाला विक्रेताओं को सदस्यता दिलवाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर महान दार्शनिक एवं गहन चिंतक अंत्योदय के प्रणेता स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। वे एक महान नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत सुचिता एवं गरिमा के उच्चतम आयाम स्थापित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रखर राष्ट्रवादी पंडित जी के अंत्योदय के महत्वपूर्ण सिद्धांत को आदर्श मानकर हमारी सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध से कार्य कर रही है। खबरें एक झलक में फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे और खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़।